नमस्कार, मैं विजय शर्मा, आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज। आज हम पहुंचे हैं चराणा भैरूजी रेलमगरा क्षेत्र का बहुत ही प्रसिद्ध एक तीर्थ है, जहां पर दूर दूर से यात्री आते हैं। कहते हैं ये महाराणा फतेह सिंह जी ने मंदिर का जीर्णोद्धार करा था, उन्होंने कलश स्थापना करी थी। राजस्मंद जिले में निवार दर्शन के तहत आज रेलमगरा तहसील क्षेत्र के चराणा गाँव पहुँचे, जहाँ जय श्री चराणा श्याम मंदिर पहुँचे। ये मंदिर करीब 200 से 3 वर्ष पुराना बताया जाता है। इस मंदिर के प्रति लोगों की प्रगाढ़ आस्था है, जहाँ खास तौर से सर्प का डसा एवं कुत्ते के काटने पर कई लोग मन्नत लेकर यहाँ आते हैं। कहा जाता है कि उदयपुर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। किंवदंती है कि राणा फतेह सिंह के पैर में छाला हो गया, जिसका काफी उपचार के बाद भी ठीक नहीं हुआ। फिर किसी ने चराणा के भैरू जी के नाम की मन्नत का धागा बांध दिया तो राणा फतेह सिंह के छाला सही हो गया। इस पर महाराणा फतेह सिंह ने चराणा पहुंचकर इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। मंदिर में प्रति सप्ताह शनिवार के दिन विशेष पूजा अर्चना होती है, जहां चराणा के साथ कपासन, फतेहनगर मावली, बनेडिया, इमली, राजसमंद, केलवा, कोठारिया, नाथ द्वारा से लेकर उदयपुर तक से लोग यहां आते हैं। मंदिर परिसर में विभिन्न समुदाय के लोगों द्वारा सराय का भी निर्माण कर दिया, जहां श्रद्धालुओं के ठहरने की उत्तम व्यवस्था है। मंदिर के प्रति लोगों की मान्यता है कि चराणा श्याम के डराने वाले हराहत व पीड़ित व्यक्ति को राहत मिलती है और मन्नत पूरी होती है। इसके अलावा वर्ष में 2 बार यहाँ भव्य मेला भी भरता है। बसंत पंचमी दिन विशेष मेला भरता है, जिसमें हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। अभी मंदिर तक आवाजाही के लिए पक्की सड़क बनी हुई है, जबकि मुख्य सड़क पर ही मंदिर का बड़ा प्रवेश द्वार भी बना हुआ है। इससे जुड़ी हुई अंतर कथा क्या है, कब ये मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, कब बनाया, इससे जुड़ी हुई सारी कहानी हम सुनेंगे यहाँ के गोपा जी, नाना लाल जी गुजर, जो यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ से सेवा करते आए हैं। तो सुनते हैं, नमस्कार। छाला हुआ था, हाँ हाँ, वो आयुर्वेदिक चिकित्सा में मरे किलो मगर सब नहीं, हाँ, लोगों ने किसी तरह बाबी की जेवड़ी बन गई। वह जेवड़ी 15 दिन में राणा जी के फर्क पड़ो, हाँ, खुद राणा जी यहाँ ऊँट घोड़ा लेके आया था, हाँ, और वहाँ 15 दिन साल हो गया, हाँ, पूरे गांव में लाठी पूरी को जीवन जिमायो, हाँ, उन्हें प्रसाद चलवायो। इसके बाद वह आजू बाजू के लोग यहाँ पागल कुत्ता है, सर्प कब्जा है, हाँ, क्योंकि गांठ घूम रहा है, हाँ, ऐसे लोग आते हैं यहाँ शनिवार, सही, जो वहाँ भी परेश बताओ ये रखते हैं तो, हाँ, उसको आराम कर देती है, हाँ, और ये 2-4 पिंडी पीने की बात कर रहे हैं, हाँ, पिंडी दर पिंडी सेवा करता आया है, सही है, और वे जैसी सेवा मैं कर दिया हूँ। लगभग कतरो पुराना मंदिर है, 400-500 साल पुराना। अच्छा, आटे गांव रे अलावा कतरी दूर दूर श्रद्धालु आवे भक्त जन आटे दूर दूर जो कुत्ता खा जाए जो आधा भमरे से पा जा महावीर भरमला के अटे दिन में आते हैं, ठीक आवे गंगापुर तक के लोग बाग आते हैं, अटे ने चार बीजा अरमा केलवा 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 अरमा अटे आते कुत्ता खा जाए। अच्छा, साफ के खाते हुए माना ये जमे अटे अटे इसी का सब साफ रखा दे। और मेला किस दिन लगता है, मतलब चौकी? मेला चौकी हर शनिवार होती है, और साल में दो बार मेला पड़ता है। अच्छा, एक बसंत पंचमी, एक गणेश चौथ, बाद में गणेश चौथ, वहाँ महीने बसंत पंचमी का मेला श्रद्धालु आते जाते हैं, साल बाद से खाते। मेन भैरू जी रो मंदिर है, और अनाने श्याम क्यों बोले? श्याम तो चलाना श्याम, चलाना श्याम, चलाना श्याम के नाम से चलाना श्याम नाम ही पड़ता। अच्छा,